बरसा है पानी शुरू हो रही है प्रेम कहानी। अच्छा बाबूजी, हम गायक कलाकार संतोष राव एंड पार्टी हमारे साथ संगत कर रहे हैं ढोलक पर बड़े भैया चंद्रमा भैया और हारमोनियम पर हमारे बड़े भैया जेपी भैया और कोरस पर हैं हमारे बड़े भैया कल्लू, बगल में कोरस पर हैं हमारे बड़े भैया हीरा। कवि की लेखनी संकेत करती है विरह में चार लाइन भूमिका से भाव है कहना है। आइए ऐ खुदा तू बता दे ये क्या हो रहा, पार कैसे लगाए हम जीवन की नैया, कृपा कृपालम आज कृपा निधान, कलिकाल कमलित नचावे समैया, अभिलाषा दिल में जिए कैसे हम, जिंदगी धरा परिचयावनी भइल, हृदय विघन का द्रवित हो गया, दोनों यखिया संतोष के सावन भई। मास्टर साहब, बिरहा में एगो गजल के प्रस्तुति बा, कहना है कैसे। अरे अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, बाबू हो भैया हो लेकिन कभी की लेखनी संकेत करती है विरह में भाव है कहना है। आइए कल के गाल से
काल के गाल से हम कैसे बच पाएंगे। पाएंगे मालिक तू बता हम कैसे रह पाएंगे। कोई नहीं जानता है बाबा कि कब के का हो जाए ऐ बाबू, लेकिन कहानी बा कैसन नजम से भाव है। आइए समय के चक्र में अब फंस गया नसीब भला, समय के चक्र में अब फंस गया नसीब भला, रूह कांप गई दासता यजीब भला। उत्तर प्रदेश जिला मिर्जापुर सानी है, उत्तर प्रदेश जिला मिर्जापुर सानी है, अना जमालपुर सेरवा की कहानी है। इनर देव पत्नी सुनीता अंगनवा में, पांच पुत्र खिलल माई के चरवा में। बाबा बाबा पांचों पुत्र के हो के? बतावल गया चंदन छोटू विद्या सागर बलराम रहा, चंदन छोटू विद्या सागर बलराम रहा, गंगा सागर छोटे बेटे का नाम रहा। घर खुशहाल दून घर में दूल्ही दिया, खुशहाल दून घर में दूल्ही लिया हो। चंदन छोटू के आइल देखत कनिया हो। बाबूजी हो कहानी गौर करें बाबा, कहानी बा कैसन। उत्तर प्रदेश जिला मिर्जापुर थाना जमालपुर के अंतर्गत एक गांव पड़ेला, जौने गांव का नाम बतावल गल सेरवा। वही सेरवा गांव का रहे वाला गुल्लू प्रजापति बिटिया सुनीता के शादी कैले हुए चंदौली जिला के उतरवत गांव में। शादी कैले दमाद का नाम इनर देव बा। इनर देव और सुनीता साथे साथे आए के बाबू हो वही सेरवा गांव में रहत हुए। धीरे धीरे इनर देव सुनीता के बीच से पांच बेटवा पैदा भेल। ए बाबू धीरे धीरे कुछ दिन बीतल हो, इनर देव अपने दूगो बेटवन के शादी कर दिला, चंदन का छोटू का। दोनों जाने के दुल्ही आ गए इन घरे में। छोटू परदेश हुए, चारों बेटवा घरे हुए। विद्यासागर कहत हुए बाबूजी भैया के गए परदेश। धीरे धीरे दो चार महीना हो गल, आपका इजाजत हो
तो हमने कितना दिन घरे रहल जाई, हमनो जायजत बाहर कमाए बदे के बाबू जी से आदेश लेते हुए, तो कैसे आदेश लेते हुए मालिक, बिरहा में को गीत लिखे पड़ गए कहना है। वह गीत के लाइन बा, कौनो मेहरारू के दर्द बा, बतावत हो चंद्रमा भैया से। बड़ी याद लावे पिया का प्यार काई, रतिया तरतिया पहाड़ दिन भाई, बढ़िया दयावे पिया का प्यार काई, रतिया तरतिया पहाड़ दिन भाई। एक बात कहत हो, कहीं हमरो करे जदार दार के, ना कहीं हमरो करे जदार दार के, दिलवा ले गईला राजा बोतल में भर के, दिलवा ले गईला राजा बोतल में भर के, राजा बोतल में भर के। बाबू हो गीत रहल, लेकिन भाव पे गौर हो, कहना है कैसे कैसे। विद्यासागर बाऊ जी से कहत हुआ कि बाऊ सुना बात, क्या कहला घरे में रह के न चाली चलनावा, कहवा से ये बाबू आई भोजनावा, बतावत हुए जाई जी बहरा करल जी नकारिया, जाई जी बहरा करल जी नकारिया, पैसा भेजल जाई पैसा भेजल जाई बाबू करिया खेती बारिया, पैसा भेजल जाई बाबू करिया खेती बारिया, पैसा भेजल जाई बाबू करिया खेती बारिया। बाबू समझाओ तुम्हें, बाबू इनर देव का बात समझाई, जा बहरवा नैहर शांति के पहुंचाई, चल दल दोस्त संग रेवसा नगारिया, चल दल दोस्त संग रेवसा नगारिया, पैसा भेजल जाई पैसा भेजल जाई बाबू करिया खेती बारी, बाबू हो गौर करेंगे। इनरदेव बेटवन से कहत हुए कि बेटवा बाबू तो लोगन चल जा बाहर,
लेकिन ये जोन तोहर भौजाई शांति है इन, इनकी ले जाके रेवसा इनके नैहर पहुंचा दा लोगन, पहुंचा के लोगन चल जा बाबा। तैयारी के लिए हुआ लोगन चले के, तो बिरहा में एगो गीत निकल कहना है। वह गीत के लाइन हो जोन हमरे मास्टर साहब बजावत हुए हैं, कौनो देवर अपने भौजाई के मजाक कैलस वो खोद के, अभी पता था जेपीए भी लगा सकल तो कहना है कैसे कैसे। अरे भौजी तोहार बाट छे दही चलानिया, छतिया तपी जड़ा करानी लागेला, छतिया तपी जड़ा करानी लागेला, भौजी महुआ का पानी तोर जवानी लागेला, भौजी महुआ का पानी तोर जवानी लागेला। लेकिन कवि की लेखनी संकेत करती है विरह में भाव है। अरे वस्सा अशेरवा से खुली गई रेवस्था खाती गाड़ी यार, रेवस्था खाती लगोटिया यार सुख रहल कड़िया में, लगोटिया यार सुख रहल कड़िया में, गाड़ी पहुंचल जाके छोटू के ससुरारिया में, गाड़ी पहुंचल जाके गाड़ी धीरे धीरे पहुंचल हो रेवसा के नगर में, छोटू के ससुरारी भैल का शांति भौजाई के उतारी दिहल घरवा, उतारी दिहल अरे वसा से आई ल उतरावत नगारिया, सुख मिल दादा के चरनिया से, सुख मिल दादा के चरनिया से, पहुंच गई गाड़ी छोटू के ससुरारिया में। गौर करेंगे बाबू वो गाड़ी में चार लोग, तीन सगा भाई विद्यासागर बलराम गंगा सागर और एक के रहल के लंगोटिया यार बचपन का मित्र, कृष्ण और सुदामा जैसी दोस्ती है मित्रों, वही गाड़ी में बैठल हुए सुखू यादव, वही सिरमा गांव का रहे वाला सुखू यादव जमुरत यादव का पुत्र, संग में रहे हो बाबू रतिया के संग में सुतते भी, जहां जाए तहां सथ में जाए लोग, भाभी के लेके रेउसा आयल हुए, भाभी रोवत है आंखी से आंस गिरत हो,
देवर बबुआ आज तो लोग रुक जा, आज रह जा, कल चल जाइ, हाँ मानत ना हूं मैं, लोग ना मानत हूं मैं, भाभी तू घबरा मत, हमने के जायदा वहां से निकलना, लोग मन में विचार कर थुन की दोस्त जब हमने अला है जा तो दो मिनट की बात है, चला जाओ उतरावत तनी दादा दादी से भेंट हो जाओ। दादा दादी कहें जब अलन सुखू बड़े भाव से जाए के दादा का चरण पकड़ लेलन, दादा हृदय से लगा लेलन, लगाए के वहां खात हुआ पियत हुआ, लेकिन भैल का बिरहा में गीत लिखे वह गीत का लाइन हो, हरि मोर कुंवरा कन्हैया, हरि मोर कुंवरा कन्हैया हो बोलावला बसुरिया बजाई, दादा रोकत हुए लेकिन रुकत ना हुए लोग, दादा हमने ना रुकल जी, हमने के जायदा कल हमने के गाड़ी हो, हमने के प्रदेश जाए के हमने के रुका मत, हमने जाते ही जा, लेकिन देखें काल जिसका नाम बताया गया, काल काल किसी को छोड़ता नहीं है, आखिरकार काल किया क्या, यहाँ में भाव है कभी के लिए अपनी संकेत करती है उस काल के ऊपर, सबके नचावले समैया, सबके नचावले समैया हो मऊतिया के करका हवा होई, तक कोई पता ना लगोले है ए बाबू, चारों साथी निकलल हुआ, चलत हुआ कैसे कैसे चलना बाबू, रतिया में खुलल तरावत से गड़िया, चल चल पहुंचाल भुड़कुड़ा नगरिया, मराई गईल साबकारी मतिया, मराई गईल साबकारी मतिया हो मऊतिया के करका हवा होई, बाबू हो चारों साथी उतरवत से निकलल हुआ, घड़ी 11 बजावत था रात, ए बाबू आगे गाड़ी जैसे ही भुड़कुड़ा टर्निंग हो बाबू, थोड़ा सा वही टर्निंग पर गाड़ी जैसे ही आई, ले भैया जाए के कोहू के पेड़ से टकरा जाती है, मित्रों जब कोहू के पेड़ से गाड़ी टकराई ले बाबू, गाड़ी जा करके पानी में गिर जाती है, चारों चारों बेटवा गेट खोल ना पौले बाबू, जैसे जैसे सथवे खेले हो वैसे ही वही गाड़ी में चारों चारों साथी गले से गले मिलाए के बाबू
प्राण के त्याग दिलन। लेकिन भाईन का विरह में विदेशिया से भाव है कहना है। होनी या न होनी में बदलल समैया हो जाकट कराई गईली ए बाबू पेड़वा से गाड़िया विद्यासागर बलिराम गंगा सागर सतावा में सुखू यादव दोस्त रहल भैया ते ही घड़िया तब बजर गिराई दहल विधाता वो ही घरवा में पूरा लम्बा नवा शोक में डूबली नागरिया हाय रे विधाता कैसन तोहरी विधानवा हो रोकले रोकाला नाही सब करना जारिया गौर करेंगे बाबू चारों बेटवा वही में गले से गले मिला के बाबू प्राण के त्याग दिला हो भैया। कुछ ही समय में पुलिस प्रशासन को पता चला चारों लाश निकाल करके जिला अस्पताल चंदौली ले गए पोस्टमार्टम के लिए। चंदौली से खबर आया शेरवा चौकी पर, शेरवा चौकी से पुलिस पहुंची इनरदेव के घरे। बाबू खबर जब इनरदेव पौला गाड़ी से लोग पहुंचल हुए चंदौली पहुंचल हुए जब पोस्टमार्टम से लाश बहरे निकलल हो भैया पुलिस के कंधवा पकड़ के इनरदेव एक बात कहत हुए विरह में गीत लिखे पड़गल कहना उहे गीत कलाई हो जवन हमरे माता बहन गावन अजूरी में भारी भारी अजूरी में भारी भारी मोतिया लुटाई बो दुल्हायो दुल्हाई के दुल्हायो दुल्हाई के लीलरा चुमाई बो दुल्हायो हो भैया हो इनरदेव पुलिस साहेब का कंधवा पकड़ के रोवत हुआ कहत हुआ का कहला रोवे इनरदेव कैसे रोवई नरदेव कैसे
लसिया उठाई बो कैसे कार जवासा है कैसे कार जवासा है आपन मनाई हो कैसे फाटत है बाबू अखिया से झरझर झरझर नीर बरसत हो बतिया बोलत हुआ जबनिया रुक जाता है पंचो साहेब से सवाल सवाल करत हुआ कि ये साहेब आखिरकारी कैसे हो गए साहेब तनी हमके बता दा कहत हुआ कैसे के भाई हमारे कैसे के भाई हमारे बेटा के माउतिया कहवा से आइल साहे कहवा से आइल साहे ऐसन बिपतिया कहवा से हमके बता दा कि ऐसन विपत कहां से आ गई हो साहेब कहत हुआ कि बहरा में के जाई अब बहरा में के जाई अब पैसा कमाए हो कैसे कर जवा साहे कैसे कार्य जवा साहे आपन मनाई हो इनर देव इतना बतिया कहत कहत बाबू कहत कहत वही साहब के छोड़ के हाय करके गिर गिलन बाबू इनर देव बेहोश हो जालन है भैया लेकिन भैल का बिरहा में टेरी से भाव है कहना है कवि की लेखनी संकेत करती है शेरवा जनता की आवाज है कैसे कफनवा कैसे दे हीरवा अरे कफनवा कैसे दे हो कफनवा कैसे दे हीरवा हमके छोड़ के अपने हो गईला सपनवा हमके छोड़ के अपने हो गईला सपनवा कफनवा कैसे दे हीरवा लोग यह विचार करत हुए ए बाबू वहां से लाश डीसीएम गाड़ी पे लगती है और डीसीएम गाड़ी से लद के बाबू पहुंचल नारायणपुर रहपुरिया घाट पर जब चारों लाश के डीसीएम गाड़ी से लोग ले जाते हैं रहपुरिया घाट पर जब वहां लाश उतरल लोगन का टाटा लग गए भैया पूरा शेरवा गांव टूट गल अगल बगल गांव थर आ गई ले बाबू वहां इतनी लोग जुट गईलन कि जे हर देखा वो हर लोग रोवत हुवन कोई बेहोश हो जात हो लड़कन के बाबू नहवा धोवा के जब हरदी लगावे के बखत आइल तो मित्रों मैं बताना चाहता हूं
कि किसी के कलेजे में उतना शक्ति नहीं था कि उठ करके जा करके बेटवन के हरदी लगा सके ये बाबू। लेकिन केवल एक व्यक्ति ऐसा था जो उठा मगरूर हो करके और गमछावा से बाबू मुहवा ढकले हुन झरझर झरझर नीर बहत हो असिया के पोछत हुन आ एक हथवा से हरदी लगावत हुन आखिरकार के रहल। आप लोगों से मैं परिचय कराना चाहता हूँ। यही हमारे साथ बैठे हुए कोरस पर हमारे कल्लू भैया है। भैया आप एक बार थोड़ा सा खड़ा हो जाएं। यही हमारे कल्लू भैया है जो कि जाकर के बेटवा को हरदी लगाए बाबू। उतिनवा याद आवाला बाबू करजवा फट जाले हो हरदी लगावत हुआ। लेकिन एक बात कहत हुआ बिरहा में गीत लिखा पड़कर कहना है कि बहना ओ अखिया है प्यासी प्यासी मनवा मा पूरन मासी अबले न आयो मेरे साजना वो बहना बाबू हो भैया हो। लेकिन कल्लू भैया कहत हुए एगो बात कहले बाहरे कवि। मैं दिल की अनंत गहराई से अपने कवि जी को हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। क्या लिखे हैं कल्लू भैया कहत हुए रोग कहत हुए कि कवने पलासिया फूकाई जय है रे चारो भाई न हो ये कल्लू भैया रोवत हुए यह सोचत हुए ये बाबू आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि जो चिता सजा है सब लोग बता देते हैं कि वो फलाने का चिता हो। लेकिन आज हमके पता ना चलत हो ये चवार के पता ना चलत हो कि कौने चिता पर के जाई आगे भयल का माई सुनीता धन के रोवा माई तीनों बेटवा आखन खोला तीनों शांति भाऊ जाई लखना लग गई ल जैसे तीनों भाई न हो ये भैया लग गई बाबू हो। माई रोवत है मुहवा से आवाज निकलत है बाबू तुरंत बेहोश हो जाते हैं। भाभी रोवत है अखिया से झरझर झरझर नीर बहत है भैया लोग उनके पकड़त हो लेकिन बे इलगार के तुरंत शरीर कंट्रोल नहीं बाबू धरती पे
बिखर जा रही हैं। चारों बेटवा जाए के चिता पर तैयारी होत हो, लेकिन कवि की लेखनी संकेत करती है पापड़ से भाव है कहना है। दोस्ती क्या होती है, कवि की लेखनी संकेत करती है, बताती है कि दोस्ती क्या होती है, उस दोस्ती के ऊपर कैसे। सुख यादव निभावल दोस्त तनव धनव रही ना, पेपर न्यूज में ला गई दस्तनव धनव रही ना। चारो लसिया हो केहू के नारू के बाबू अखिया हो, विधाता कया जबे विधान धनवा रही ना, पेपर न्यूज में आ गई ला दस तनवा धनवा रही ना। रहपुरिया घाट पर ले जाए के चिता पर सजाए के चंदन अपने भाई के मुख अग्नि देथुन बाबू। जमुरत यादव अपने बेटवा सुखू के मुख अग्नि देथुन, लेकिन वहां प्रमाण मिला कि सबसे पहले छोटे बेटे को आग लगी, लास्ट में बड़े बेटे को आग लगी, लेकिन प्रमाण यह मिला कि सबसे पहले लास्ट जली तो बड़े बेटे की जली, लास्ट में छोटे बेटे की जली। आल्हा से प्रमाण है कहना है। जैसे निभावल क्रीस, जैसे निभावल क्रीस सुदामा दोस्त तनवा बाबू, ओ सही मिला लाया जा कलयुग विद्या सागर पल राम गंगा सागर सथवा भैया, जला परा बचपन का यार रहला सुख नौजवान बाबू, एक साथ चारों जन का जारी गई लसिया भैया,
अकल जुगा में भी ताले एगो भैली बाबू तो सती निभाई देहला सुख न जवा दोस्ती निभा देले हो बाबू लेकिन हुआ क्या क्या बिरहा में खड़ी से भाव है कहना है एक बार फिर कवि की कलम संकेत करती है और लिखती है क्या लिखती है इस दोस्ती के ऊपर आखिरकार दोस्त कैसा होना चाहिए हमारे गुरु बिगन कवि बिगन विद्यार्थी जी बता रहे हैं क्या तो कहना है खड़ी में भाव लगल कहना है दोस्त बनी हाथ फर जवान निभा या मितऊ चानी स्वार्थ खातिर दिलवा लगाया मिता आप सब श्रोता सज्जन से मैं प्रणाम करता हूं कि दोस्ती करिहा जा तो निस्वार्थ करिहा जा स्वार्थ की दोस्ती नहीं होनी चाहिए यही हमारे गुरु सिखाते हैं कि दोस्ती और मित्रता होनी चाहिए तो निस्वार्थ होनी चाहिए तो अंतरा में भाव है कहना है विद्या सागर बलराम गंगा सागर भैला सानी दोस्त सुख का बना ही निशानी मनवा का सपना सजाया बिताऊ स्वार्थ खातिर दिलवा लगाया मिता गौर करेंगे इस धरती पर जो आया है उसको जाना है कभी की लेखनी एक बात और कहती है क्या कहती है मित्रों आगे पीछे सबके चाहे कंपरी भाई विधि का विधान के कब न मिटाई सपना सजाया मिताऊ चानी स्वार्थ खातिर दिलवा लगाया मिता इसी से हमारी कहानी समाप्त होती है बिरहा का शीर्षक मिला शेरवा कांड उर्फ चार लासे बिरहा का समाप्त गुरु घराने के परिचय कहना है
तू छैबर सुख नंदन गमगीन काशी बुलू वेद प्रकाश का मनवा भयल मलीन हो कफनवा कैसे दे हीरवा पीकन संतोष के परसेला नयनवा कफ